जय गुरु जी, जय जयकार, राधे राधे। हर हर महादेव प्रभु। हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे, राधे 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 की जय। जय गुरु जी, राम जी, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी गोविंद जी, जय गुरु जी राहुल जी, जय गुरु जी भाई। प्लीज आप सब अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। अरे नींद आ गई ना, व्यक्ति की बात। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार रचना जी। डॉक्टर साहब कैसे हो आप? बबीता मैम जय झूलेलाल जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। सुमन मैम जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे राहुल जी, कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। अभी तो मैं फोटो खींच दिया। हाँ, मैंने कहा फोन नहीं करना। आई मीन क्लास स्टेटस पे लगाओगे? ना ना ना, वो एक दो कॉल्स आ रहे थे तो उनको भेज दिया कि आई मीन क्लास, सो डोंट कॉल। टी मोबाइल प्लीज। आप कौन, नाम बताएंगे अपना? नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे जी। प्रभा मैम जी नमस्ते। राधे राधे जी। प्रभा मैम बोल रहे हो जी? फिर से बोलिए। आपका नाम प्रभा है? हाँ जी। राधे राधे मैम, राहुल बोल रहा हूँ। राधे राधे। नमस्कार। जय जयकार। जय जयकार। नमस्कार सर। एनर्जी आ गई अभी? एनर्जी बस पूरे जोश के साथ एकदम फिर शुरू करेंगे, एकदम जबरदस्त वाला।
जय गुरु जी राहुल भैया, मैं ठीक दिख रहा हूँ ना? एकदम मस्त, एकदम चकाचक, स्मार्ट दिख रहे हैं। yeah, रोज बढ़ जाते, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं रोज ही बढ़ गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं धनुजबनकृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वास्तुपुरुष नमस्तेस्तु भूषय्याभिरता प्रभु मद्गृहे सुखं कुरु कुरु। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। ओम जय जयकार आप सबके। आज हम सब लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे को ये माध्यम मिला इंट्रैक्शन का, है ना, जिसके कारण मैं आपसे सीख सकूंगा, आप कुछ मुझसे सीख लीजिए। इसे गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब विन विन रिलेशनशिप है। कुछ आप मुझे बता दीजिए और कुछ मैं आपको बता दूंगा, और हम लोग सहना बहुतु सहन भुनकतु सह वीरियम करवा वह इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और फिर बढ़ते ही चले जाएंगे। पर क्यों बढ़ेंगे हम आगे, क्यों बढ़ेंगे आगे विवेक भाई? गुरुदेव सबका विकास सबका साथ, नहीं क्या जरूरत है, अपना ही कर लो यार भाई, सबके साथ सब, मतलब सबका साथ होगा तभी तो अकेला मैं क्या कर पाऊंगा, सब मिलजुल के काम करेंगे तभी तो बढ़ेंगे आगे। जी, हम सभी लोग एक अपने आप में यूनिट हैं, एक हमारा परिवार है। अगर हम सब लोग आगे बढ़ गए, हमारा फैमिली आगे बढ़ गई, फैमिली मिलके एक सोशल सर्किल बनाती है, एक मोहल्ला बनाती है, वो आगे बढ़ गया, वो मिलके एक नगर बनाती है, वो आगे बढ़ गया, नगर मिलकर एक बॉस राज्य बनाता है, राज्य आगे बढ़ गया, और राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, तो हमारा भारतवर्ष की जय जयकार होनी चाहिए, पूरे विश्व में वापस स्थापना होनी चाहिए विश्व गुरु के रूप में। और शुरुआत रामदेव जी ने कर दी है, इसमें शक की कोई बात नहीं कि आज जो भी लोग जानते हैं योग को उन्हीं के कारण जानते हैं, और वो भी हरिद्वार से थे और मैं भी हरिद्वार से हूँ। मेरा भी नारा हर हर वास्तु घर घर वास्तु, वो स्वास्थ्य दे देंगे हम, संपन्नता दे देंगे कि भाई हर व्यक्ति अगर संपन्न हो तो उसकी जय जयकार होनी चाहिए। दूसरी बात कि आज छोटा छोटा सा एक जान लेते हैं आप सबके बारे में कि आप कौन हैं, किस प्रोफेशन से हैं और क्या सोच किया है, तो मुझे बहुत आसानी होगी क्योंकि हमारा एक बहुत क्लोज ग्रुप हो जाएगा आज, और वी विल बी वर्किंग लाइक अ फैमिली। तो पहले राहुल सर मेरे स्क्रीन पर यही दिख रहे हैं, राहुल जी बताइए। जय जयकार सर। जय जयकार, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी 10-15 दिन से मैं आपके वीडियो देख रहा था, तो ये पहली बार मैंने अप्रैल में 2021 में सर से न्यूरोलॉजी का कोर्स किया था, तो मैंने उस समय भी प्लान किया था कि मुझे, क्योंकि मैं उस समय कुछ जॉबलेस था, जॉब कर भी नहीं रहा था, उसके पहले बिजनेस वगैरह किया बट वो हो नहीं पाया जी। तो जो भी था, तो उस समय मैंने प्लान किया था कि अब तो न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। मैंने राहुल सर से भी बात की थी कि वो मेरा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जिस चीज से देखे, लेकिन क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और मैं यहाँ पे कर्नाटक में ही एक JSW स्टील प्लांट है जिंदल साउथ वेस्ट जी, तो मैंने कभी पहले वहाँ पे जॉब किया था 5 साल 7 मिलियन टन। एक नेचुरोपैथ सेंटर भी है बैंगलोर में, बहुत जबरदस्त, एकदम गजब। जी जी सर, बहुत जबरदस्त। वैसे मैं भोपाल से हूँ सर, तो फिर लगा कि फैमिली भी थी साथ में, तो लगा कि इसमें एस्टेब्लिश होने के लिए 1.5-2 साल मिनिमम लग जाएगा, तो लगा कि एक जॉब करना फिलहाल के लिए जरूरी है, पार्ट टाइम इसको करूंगा, साथ साथ ये भी करते रहूंगा। राइट। तो सर
आपने जो भी रेमेडीज वगैरह बताई करते रहा, तो 3-4 महीने बाद, मतलब पूरे 6 महीने बाद मेरी जॉब लगी भी सेम लोकेशन पे, JSW में। तो फिर अभी मुझे 6 महीने हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए, लेकिन अभी फिर एक अचानक सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे फिर सर टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कोई वेबिनार देखूं या और चीज करूं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सेट हो जाता हूँ, फिर वेबिनार्स वगैरह सब चलते रहेंगे, फिर और कुछ एडवांस कोर्सेस करते हैं। तो अभी फिर ये सिचुएशन आई कि पता चला कि मुझे जॉब से रिजाइन करना पड़ा, मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था रिजाइन करने का, बट ऐसी कंडीशन बन गई। तो फिर अभी टाइम मिला कि नहीं, फिर से मुझे लगा कि भाई हमारा तो एक ही सपोर्ट सिस्टम है, न्यूमरोलॉजी, संदीप सर और ये वाला ग्रुप। तो फिर आपका वेबिनार मैंने देखा, तो ये अभी अभी मतलब एक साल बाद मैंने कोई वेबिनार देखा तो वो आपका है। तो जैसे एक वेबिनार स्टार्ट किया तो उसमें आपने शुरू में जो आप मतलब वो मंत्रोच्चार और वो सब करते हैं, तो मुझे लगा कि यार सर तो मंत्रोच्चार उच्चार अपने तो ये सब पता नहीं क्या होने वाला है। तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा देर वेबिनार नहीं देख पाऊंगा। बट जैसे जैसे 2-4 मिनट 5 मिनट हुए, फिर बाप की बातें चलती गई, तो फिर पूरा का पूरा फिर मैंने कहा यस अभी इस बार तो मुझे कोर्स करना है। तो बस सर और जर्नी स्टार्ट हो गई, तो आज ही फीस जमा की और मैं आपके सामने हूँ। बहुत आगे तक जाएंगे। मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी रही। मेरा एक व्यापार था सैनिटरी होलसेल का, मैंने बहुत अर्ली शुरू कर लिया था। थैंक यू राहुल भाई, मैं म्यूट कर लेता हूँ। और उसको मैंने बहुत अर्ली शुरू कर दिया था, 1995 में पहला मेरा रजिस्ट्रेशन था, पहला व्यापार था, और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसके बाद हमने एक फैक्ट्री ली और वो डूब गई, और उसमें एक वास्तु दोष था। उसके साउथ वेस्ट में क्या था, कुआं था एक, और वो सारा का सारा जो कमाया था वो सब घुस गया उसके अंदर ही। फिर एक वास्तु विशेषज्ञ को बुलाया, गुरु जी मिले मेरे, तो उन्होंने कहा कि ये साउथ वेस्ट का जो कुआं है ये या तो ग्रहपति को लेकर जाता है, मतलब अधिपति जो भी होता है वहां का, उसको लेके जाता है, या व्यापार डूब जाता है। तो हमने फिर भगवान का शुक्रिया किया ना, प्रभु तूने बचा लिया, मैं या मेरे पिताजी से मेरे से कोई चले जाते तो मैं आपके सामने ना होता, नहीं अब पता नहीं पुनर्जन्म में किस रूप में आता। तो उन्होंने बचा लिया, तो हमने कहा चलो व्यापार तो फिर भी ठीक ही हो जाएगा। गुरु जी ने कहा कि अब तुम कोई और व्यापार कर लो, तो मैंने एक गिफ्ट गैलरी खोल ली। उस समय गिफ्ट गैलरी का बहुत क्रेज था, आपको याद होगा, हर चीज के कार्ड्स वार्ड्स को होलसेल में बिका करते थे, लोग लेते भी बहुत थे, देते भी बहुत थे। अभी तो बहुत सारी चीजें नष्ट हो गई हैं, मोबाइल ने बिल्कुल जो आत्मीयता का बंधन था ना वो नष्ट कर दिया। अब तो सुबह ही बंदा कह देता है भाई हैप्पी वैलेंटाइन डे, मेरे यहाँ 13-14-15 हजार रुपए के वैलेंटाइन के कार्ड्स बिक जाते थे एक दिन के अंदर। अभी वो सब खत्म हो गया, उन्होंने बस हैप्पी वैलेंटाइन डे, जलेबी खाओ और मस्ती लो। दिवाली के ऊपर इतने सारे होता था वो सब। साथ साथ ही जर्नी शुरू हो गई मेरी वास्तु शास्त्री। अब चूंकि खाने पीने की कमी नहीं थी, वास्तु में एक दिक्कत है, जो मंजूनाथ जी ने कहा प्रश्न उठाया वो बिल्कुल सही है कि सच में लोग पैसे नहीं देते, पीपल आर नॉट विलिंग टू पे। वो आते हैं और सुमित भाई क्या हाल चाल है, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है यार, यार कभी हमारे यहाँ आओ ना चाय पीने के लिए। फिर मैं उससे कहता देख भाई चाय तो मेरे यहाँ भी बहुत है, मैं तेरे यहाँ चाय पीने आऊंगा, लेकिन चाय पीने आऊंगा अगर वास्तु के बारे में एक भी शब्द पूछा तो नहीं, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक दर्द है उसका, यार कभी खाने पे आओ ना, भाभी जी को साथ लाओ, अबे यार भाई मेरे यहाँ भी खाना, मुझे पता चल जाता है कि ये जो है इसको कोई ना कोई लफड़े से गुजरना है, इसको मेरी जरूरत है। तो मैं उसका बहुत सरल सा उपाय बता दूंगा कि इनिशियली अगर आपको पेमेंट चाहिए तो लोग आपको नहीं देंगे। मेरी जर्नी जो है उस समय 250 रुपए से शुरू हुई थी, जब हमारे हरिद्वार में जो ज्योतिषी हैं वो लेते थे 21 रुपए 11 रुपए, मतलब किसी ने कुंडली दिखाई, ज्योतिष और वास्तु में फर्क नहीं पता चलता था, लोग कुंडली दिखाई और 11 रुपए टीका दिया, उन्होंने पंडित जी नमस्ते, और मुझे लगता था पंडित जी के टकसाल लग रखी क्या, मतलब 1 किलो चिंगी भी नहीं आएगी इसमें। और आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि मैंने ज्योतिष शुरू किया, उसके बाद एक MA मैंने ज्योतिष से किया, एक वास्तुशास्त्र से किया, एक पॉलिटिकल साइंस से किया, ऐसे 90 कोर्स करे वो आपको पता ही है। तो एक दिन मैंने भाई की कुंडली देखी, तो उसने मुझे कहा कि सर बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत बढ़िया बात, मैं भी एक फूल का कुछ चौड़ा, ये दूसरी कुंडली देखो। मैंने ये दूसरी कुंडली कहां से आई, कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि शायद तुम्हारा जो जन्म समय है यहाँ पे गलत था, ये मैंने दूसरी बनवा ली दूसरे जन्म समय की। और मैंने कहा भाई 2 घंटे तेरे को बता के मैंने कहानी सुनाई तेरी कुंडली की। तो उसके बाद उसने कहा अच्छा, उसके बारे में भी चर्चा हुई,
फिर उसने तीसरी निकाल ली, वो ना शायद हो सकता है कि ये सुबह और शाम के उसमें अंतर पड़ गया हो, अब पता नहीं प्रभु परीक्षा ले रहे थे ये क्या था, मेरा पेशेंस लेवल जो है वो डगमगा गया। मैंने भाई साहब मैं नहीं देख सकता, अब आप जो आपने पहले दिखाई थी वही थी। तो उसने मुझे बड़े जोश से 21 रुपए दिए, उन्होंने कहा पंडित जी ये लो आपने दक्षिणा और जाओ। 6 घंटे के बाद जो है वो 21 रुपए की कमाई मुझे बहुत खल गई। मैंने सोच लिया कि सुमित रावल भाई तुम ज्योतिषी नहीं बनोगे कभी भी लेफ्ट आउट कर दिया सेम डे। तो लेकिन वो धीरे धीरे जर्नी, वो भी दिन थे आज भी दिन है कि आज कुंडली दिखाने के लोग रेडिली 5100-11000 रुपए बड़े मजे से दे देते हैं, और वास्तु दिखाने के भी लोग 30,000 से लेकर 1,25,000 रुपए तक अपने जो है वो कंसल्टेंसी मिल जाती है। आपको भी मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। 10 साल बाद मुझे पता लगा कि हाँ मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। 10 साल बाद जो मेरा अर्निंग थी, जो मेरी शॉप थी, उससे मेरी अर्निंग एक्सीड हुई। 12वें साल वो डबल हुई। चूंकि हम लगे रहे, खाना खाने की तो कोई कमी नहीं थी, किसी ने पैसे दिए तो भी काम किया, नहीं दिए तो भी काम किया। उसका ये एरिना हो गया कि हरिद्वार में एक अच्छा खासा एरिया बन गया। फिर जब लोग रेफरेंस देने लगे, जैसे विवेक भाई के यहाँ मैं दिल्ली में मैंने कुछ वर्क किया, अभी जो अगला रेफरेंस जनरेट करेंगे मेरा तो अपने से हायर ही करेंगे 110%। तो आपने जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है नोट कर लीजिए, उससे आपने अर्निंग की इच्छा नहीं रखनी, नहीं रखनी। फर्स्ट लाइन मतलब जो व्यक्ति पहली बार आपसे संपर्क में आ रहा है, उससे आपने अर्निंग की इच्छा नहीं रखनी। बहुत मिनिमम फीस में आपने वर्क करना है, और जब आपके 50-100 लोग हो जाएंगे तो वो हमारी फ्रंट लाइन होती है। सेकेंड लाइन वो होती है जब वो रेफर करे। जब आप रेफर करोगे तो आप जिस रेफरेंस के साथ जाएंगे, मान लीजिए राहुल भाई मुझे अपने फूफा जी के यहाँ रेफर करते हैं कि फूफा जी बहुत बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट है हरिद्वार से, वो आएंगे और जय जयकार कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने भी वास्तु कराई। तब आप राहुल भाई से कहोगे कि अपने फूफा जी से कहना कि मेरी फीस तय कर ले। अब वो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, 5, 10, 20, 50, 100 जो आपको अच्छा लगे, हजारों में, मतलब मैं रुपयों की बात नहीं कर रहा, 5,000 से शुरू करके जहां तक आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन फ्रंट लाइन आपकी ऐसी होगी, क्योंकि फ्रंट लाइन में कौन होगा, बहन होगी, उसका पति होगा, फूफा जी होंगे जो मेरे फेवरेट करेक्टर हैं, मामा जी होंगे, उनका बहन ही होगा, आपकी चचेरी बहन होगी, ऐसे ही लोग होंगे ना फ्रंट लाइनर, तो वही होंगे। जिस दिन आप कहोगे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, सबसे पहले यही लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, आपने कौन कौन नेटवर्क मार्केटिंग करी, किसी ने करी है, हाथ उठाए, वाह सारे नेटवर्क मार्केटिंग। अरे बड़ा मजा है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो सबसे बड़ा जवाब ही नहीं है, मैं जो हूँ आज वो नेटवर्क मार्केटिंग के कारण ही, वो क्यों हूँ वो भी बताता हूँ। बताइए बबीता जी। जय जयकार सर जी, आप बोल रहे हैं ना, मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सूर्या जी से सीखी एक्चुअली। हाँ, तो मैं अभी इंडिया आई थी, मैं दुबई रहती हूँ, तो मैं इंदौर से हूँ, अभी इंदौर आई थी। तो मैंने कहा चलो, सबने बोला तुमने कोर्सेज करे हमारे से पता, मैंने कहा नहीं सर ने बोला एलर्जी एक्सरसाइज तो लेनी ही लेनी है भाई, तो किसने 500 दिए, किसने 1,000 दिए। एंड प्रेडिक्शन सर जी बहुत राइट गए, तो मेरे रिलेटिव ऐसे थाईलैंड में रहते हैं, तो उनको पता पड़ा, उन्होंने फोन किया, तो मैंने उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछे, ही वाज इंप्रेस्ड। अब मैं सोचूं मैंने थाईलैंड से पैसा कितना मंगाऊं इनसे, फिर मैंने कहा नहीं, ही इज नोन, सो एवरेज चलने दो। तो आपकी बात सही, जो फ्रंट लाइन आएंगे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम, क्योंकि वही हमको रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल, और आपकी रिकमेंडेशन जितनी बढ़ती जाएगी, डिवॉइड ऑफ एनी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे किसी माध्यम से हो, चाहे आप पर्चा लगाएं, पर्चा बांटें, नंबर 1 इन ऑकल्ट साइंस मार्केटिंग इज रेफरल मार्केटिंग। तो आपको ऑकल्ट साइंस में अगर परस्यू करना है तो अपने आप को स्पेस दीजिएगा, कम से कम 5 साल की और ज्यादा से ज्यादा 10 साल, ये उसका जेस्टेशन पीरियड है। होगा क्या कि शुरुआत में आपकी न्यूमरोलॉजी चलेगी ऐसे, वो चाचा जी भी आ गए, फूफा जी भी आ गए, ये भी आ गए, वो आ गए, उसके बाद तो बैठ जाएंगे सारे के सारे, आना ही बंद हो जाएगा, है ना, क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे। सही सी बात ही है कि वो क्यों आएंगे आपके पास, जो आपने उपाय बताए होंगे, जब उनको लाभ होगा तभी रेफरेंस मिलेगा, और रेफरेंस देने वाले 100 में से केवल 20 लोग होते हैं, 80 लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, मैंने तो कुछ कराया ही नहीं, ये तो सब कर्मों का फल है, भगवान ही हमारा भाग्य विधाता है। जहां पर ऐसे तो बड़ा रोज का काम है ना, इसलिए आपको बिल्कुल डीप टॉक्स बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। अगर आपने परस्यू करना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, लेकिन उसके बाद जब आप
कंसिस्टेंटली इसमें रहेंगे तो 10 साल बाद जो आपको मिलने वाला है वो आपकी सोच से भी परे होगा, आपकी सोच से भी परे, क्योंकि हमारे यहाँ फीस ना 10% पर ईयर के हिसाब से नहीं बढ़ती। तो मेरी फीस पहले 250 थी, अगले साल मैंने उसे 500 कर दी, उसके दो साल तक 500 पे रहे, फिर दो साल बाद 1000 कर दी, फिर 1000 के बाद कितनी करी होगी आप सोचो, 1000 से सीधा 5000, ठीक है, 5000 से 10000, 10000 से 20 से कितनी हुई 50, 30, 20 से 30, अब थोड़ा धीरे भी तो चलना है ना। अभी वो पिछले दिनों सोचा यार 30 बहुत हो गए, अब 1.25 लाख होनी चाहिए, 1.25 लाख होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि वो पिछले साल ही जो है 1.25 लाख का ब्रैकेट 4 बार टूटा हो, हम गए वास्तु करने और वो ले आए। अभी आगे धीरे धीरे जाके, क्योंकि जो मेरे आइडियल हैं वो खुशदीप सर हैं, अरविंद सूद सर हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं 50 लाख रुपए से। केपी सर जो हैं वो उनकी मिनिमम फीस 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो हम भी वहां तक पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। तो लेकिन होगा ये तब जब आपको कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा एक टाइम के बाद, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, हमने भी बहुत मेहनत करी, आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ मेहनत हाथ पैर की नहीं है कि सुबह लिया कुदाल और मारना शुरू कर दिया, अब मेहनत कर रहा हूं मैं, न्यूरोलॉजिस्ट हूं, बस मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट हूं, मैं वास्तु वाला हूं, मैं गड्ढे खोद के मानूंगा, यहां भी खोद दूंगा वहां भी खोद दूंगा। हाथ की कोई मेहनत नहीं करनी, मेहनत केवल धैर्य की है ना। साईं बाबा जी के वचन याद रखना, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा रखना कि काम होगा और सब्र रखना अपने दिल में तो 100% होगा। कभी कभी ये बैरिकेड बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि जैसे मेरे मित्र थे उन्होंने मेरे साथ शुरू किया तो उनको पहली 2 साइटों में 25 लाख रुपए मिल गए। एक शॉपिंग मॉल की साइट आ गई तो उन्होंने 25 लाख रुपए मेरी फीस है वो मिल गए, उसके बाद वो 5 साल तक खाली बैठे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बार में पता लगा ढक से आ गया और वो नहीं। चलो ये बातें तो प्रोफेशनल की है, ये तो अभी आज शुरुआत ही कर रहे हैं हम लोग, पर जहाँ कहीं से तो शुरुआत होगी। तो मैं जानना चाह रहा था कि वास्तु क्यों, मंजुनाथ जी आपने तो दोबारा कर रहे हैं, आपका सदा स्वागत है, क्यों आए, क्या सोचा? सर वही सर, मैं जो मुझे पता है फिर भी कितना लर्न किया तो भी कम है ना सर, इसलिए मैं आया। और मेरा अभी 500 से इस साल में मैं 5000 तक पहुंचा हूं सर। और की बात पहुंचोगे और ऐसे बहुत सारे उपाय टिप्स मैं खुद दे दूंगा। एक हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अगर आपने वास्तु अपने घर के लिए करना है तो बहुत बढ़िया, जय जयकार। बट अगर आपने वास्तु शास्त्र को प्रोफेशनली अपनाना है तो जो भी मैं उपाय बताऊंगा प्रोफेशनल के इसी नहीं अच्छे अगले वाले कोर्स में, वो सारे आपने अपने घर में करने हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या सीखा, अरे बस मैं वास्तु कंसल्टेंट हो गया और धैं दूसरे को फेल। आपको अपनी विद्या पे खुद विश्वास नहीं होता, कई बार क्या होता है कि आपने तो उपाय बता दिया और वो फेल हो गया, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्टर अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसके सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा कोई ज्योतिषी पैदा नहीं हुआ जिसकी सारी प्रेडिक्शन सही हो जाए, ऐसा कोई वास्तु वाला पैदा नहीं हुआ जिसके जिसके रिजल्ट ना है। तो जहां दो लोगों ने आपको बताया ना कि यार भाई वो मैंने वो किया था तुम्हारा वाला उपाय ना, पर हुआ नहीं कुछ, आप ऐसे ऐसे जो मोरल ऐसे होगा ना वैसे जाएगा, जो गाड़ी ऐसे तेज चल रही थी ना वो ऐसे धीरे से रुक जाएगी स्टेशन में, फिर आप भी उसी के साथ कहने लगोगे यार पता नहीं रिजल्ट आता भी है या नहीं आता। सो यू हैव टू टेस्ट इट नाउ। आज से आप वचन ले लीजिए अपने आप से कि जो भी उपाय होगा वो मैं पहले अपने लिए करूंगा या करूंगा। नहीं सर मैं 15 वर्ष से कर रहा हूँ ना सर, मतलब आपके लिए नहीं कह रहा, मतलब वो तो मुझे पता है कि आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और हमें भी आपसे सीखने को मिलेगा, आपने बताया आपके फादर भी यही काम करते थे। लेकिन बहुत स्थापित वास्तु कंसल्टेंट्स को मैंने फेल होते हुए देखा है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हरिद्वार में 15 लोग मेरे साथ शुरू हुए थे, वी वर 15, और आज एक भी नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, क्योंकि उनको अपने किए हुए उपायों पर विश्वास नहीं। वास्तु के साथ किसी ने एस्ट्रोलॉजी जोड़ ली, वास्तु के साथ किसी ने न्यूमरोलॉजी जोड़ ली, वास्तु पीछे छूट गया न्यूमरोलॉजी आगे चली गई, वास्तु पीछे छूट गया एस्ट्रोलॉजी आगे चली गई,
वास्तु के साथ किसी ने कंस्ट्रक्शन को जोड़ लिया कि हाँ भाई हम वास्तु रिच मकान बनाते हैं, वास्तु छूट गया वो कंस्ट्रक्शन में चले गए पर कोड फील्ड गायब हो गई, तो इसीलिए गायब हो गई कि उनको अपनी विद्या के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी आप यहाँ सीखें उसको अप्लाई करें, क्योंकि हर उपाय हर एक के लिए नहीं होता। ठीक है, मैं तो नॉर्थ के आपको 10-10 उपाय बता दूंगा, 10 उपाय तो आपको याद होंगे आज की तारीख में जिसने वेबिनार देखा, भाई नीला बल्ब लगाओ, झरना लगाओ, गोल बोतल में पानी रख लो, पानी के अंदर एक मनी प्लांट डाल लो, तो ये सब सारे उपाय आपको पता है, लेकिन हर उपाय हर एक को सूट करेगा ये नहीं, ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा, धीरे एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो 10,000 घरों का रिकॉर्ड रखा था हमने, कितना 10,000 हाउसेस का रिकॉर्ड रख के ये जांचा था, उसके बाद वो छोड़ दिया रखना। 2500 इंडस्ट्रीज का रिकॉर्ड रखा था और उसका एनालिसिस भी करते थे कि 2 साल बाद क्या हुआ, 3 साल बाद क्या हुआ, 4 साल बाद क्या हुआ, 5 साल बाद क्या, व्यक्ति को नहीं पता इस बारे में। अगर मैं किसी के यहाँ आ गया तो ये समझ लो कि पता नहीं कैसे मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है कि उसने नई फैक्ट्री लगाई है, उसने नया घर खरीदा है, उसने नई गाड़ी खरीदी है, उसने बच्चों की शादी करी है, या क्या हुआ है वास्तु के बाद, अगले बंदे को नहीं पता क्योंकि वो नहीं बताएगा, लेकिन उसके रिजल्ट स्पीक्स। 2-3 साल में व्यक्ति वापस बुला रहा है तो इसका मतलब उसका बाल वाचे हो गया, बढ़िया हो गया एकदम चकाचक। ठीक है सर, और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, मैं आपसे बोला था ना सर, एक डॉक्टर का मतलब पहले से ही कंप्लीट करवाना है सर। क्या? एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है सर। जी जी। तो मेरा पुराना क्लाइंट है सर, उसका पुराना हॉस्पिटल है, अभी नया बनवा रहा है। मैं उसको बोला मतलब ग्राउंड से, मतलब बिलो द ग्राउंड से हम करेंगे पूरा वास्तु, मैं 1,00,000 रुपए लेके लेता हूँ, मैं बोला सर, वो देने के लिए रेडी है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल देगा, कोई बड़ी बात नहीं। सर थैंक यू फॉर दैट सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसका कैसे रहा, कैसे चला, और एक और बीमारी होती है सर हम सब में कि जब रिजल्ट नहीं आता ना, जब रिजल्ट नहीं आता तो क्या करोगे आप? मान लो हमने वास्तु करी, किसी के रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा बताओ मंजुनाथ जी, क्या करोगे? सर मैं अगर अगर मैं एक हफ्ते एक महीने के बाद मैं उसको कॉल करता हूँ सर, अगर कुछ रिजल्ट आया तो मैं उसको और एक बार देख के मतलब कुछ अदर का रेमेडी देता हूँ सर। अभी 6 महीने बाद एक क्लाइंट बोल रहा है आपसे कि मुझे रिजल्ट नहीं आया, क्या करोगे सर? मैं मतलब अगर कुछ उसको घर में कुछ चेंजेस किया है या मैं जो बोला वो एग्जैक्टली नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकता है सर। मतलब उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या कहोगे? 1 साल बाद नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा है सर, मतलब कोई नहीं आ रहा है। सुमन जी सोना 95% रिजल्ट आ रहा है। आज का ये जो चर्चा है बहुत काम आने वाली है, आगे जाके ये सब फेस करने वाले हो आप सब। 95% आ रहे सर मुझे। जो 5% है उनका क्या होगा सर? अभी क्या है ना सर, 5% लोग क्या ऐसा लोग है सर, वो पैसा देने के लिए इच्छा करते हैं और अगर हम ज्यादा पैसा पूछते हैं तो तुम्हारा काम नहीं चला बोलते हैं सर, वो ऐसा भी होता है। क्या होता है अगली बीमारी ये है कि व्यक्ति जो ज्योतिषी है उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, जो वास्तु है उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। आपने ऐसा नहीं करना, हर बार आंसर देना। नहीं मैं हमेशा उसको आंसर इतनी ज्यादा है, आप सबके लिए मेरी रेमेडीज इसलिए ज्यादा हैं, एक एक दिशा की 10-10, 20-20 रेमेडीज इसलिए हैं कि एक काम नहीं आई तो अगली बार आपके पास दूसरा बैकअप तैयार हो कि भाई ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। तो भगवान इतना दयालु है क्योंकि जो नंबर ब्लॉक करते हैं या फोन कॉल उठाना बंद कर देते हैं या रिवर्ट कॉल नहीं करते उनके आगे जाके वास्तुशास्त्र नहीं चला करता। ठीक है ना, आपने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, पर फिर भी ऐसा नहीं है सर। ठीक है ना, तो वास्तु के कुछ गुण जान लेते हैं, उसके बाद बाकी की अपनी चर्चा आगे चलेंगे। फिर भूपेंद्र जी से पूछेंगे उन्होंने क्यों वास्तु परसू किया, इसमें से कुछ आंसर मिलेंगे। तो हमारा है ये वाला, वास्तु आपके लिए आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है एक बार देख लेते हैं। अपने लिए एडवांटेज है, मतलब हम अपने लिए एक आधार स्तंभ बन सकते हैं, अपने लिए, अपने और अपनी फैमिली के लिए। ठीक है ना, सिग्निफिकेंस हर व्यक्ति को चाहिए, वास्तुशास्त्र से बड़ी सिग्निफिकेंस कहीं नहीं है। इज्जत सबको चाहिए,
एप्रिसिएशन सबको चाहिए, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो अप्रिशिएट करता है आपको समाज और उसमें आप कहीं ना कहीं ग्रो करते हैं। ठीक, पेन एंड लॉस आर इनेविटेबल बट वन कैन ऑलवेज लर्न हाउ टू टेक देम इन राइट वे एंड बी कंफर्टेड एज वेल। हर व्यक्ति के में सुख और दुख आते हैं, धन हानि सुख दुख लाभ ऐसे ही इन चक्रों से जीवन चलता है, पर वास्तुशास्त्र आपको संबल देगा खड़े होने का कि आप कहीं पर ठीक से खड़े हो जाएं। मेंटल सपोर्ट, वास्तुशास्त्र आपको मेंटल सपोर्ट देगा, ट्रॉमेटिक कंडीशन से बाहर निकालेगा, ट्रबल्स को दूर करेगा और डिजायर मैनिफेस्टेशन करेगा, यानी आपकी कोई विश है तो वो फुलफिल हो जाएगी दिशाओं के माध्यम से, क्योंकि दिशा के पास अपना एक बल होता है, क्या कहते हैं उसे, दिग्बल। दिग्बल जब कहते हैं तो हम उसके फोर्स के साथ जब वर्क करते हैं, व्हेन वी गेट अलाइंड विद द डायरेक्शनल फोर्स, डायरेक्शंस वर्क मैजिकली अमेजिंगली। बहुत आसानी से व्यक्ति डायरेक्शनल फोर्स से अपना काम निकलवा सकता है, क्योंकि डायरेक्शनल फोर्स क्यों, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आ रही है या नॉर्थ इज अ जोन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सुई हमेशा उधर ही नॉर्थ वाली सुई करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से लेकर नीचे की ओर चलती है, तो ऊपर हमें नॉर्थ दिखता है लेकिन धरती के भीतर वो साउथ होता है, राइट। तो कितनी आ रही है कोई बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी आर गेटिंग, एनीबडी? पुनीत राज जी, क्या आप डालेंगे इसके ऊपर प्रकाश? गुरु जी सर, North is the direction of magnetic field. So how much quantity we are getting from North? कितनी magnetic field North से आ रही है? पता नहीं सर। पता नहीं? अरे फिर कैसे चलेगा आगे? क्योंकि मुझे पढ़ाना आता नहीं और आप फिर पढ़ नहीं पाने के। Great, शालिका जी आप बताइए प्लीज। सर बिल्कुल नहीं पता इसलिए हंस रही हूँ। आपको नहीं पता? नहीं सर। राइट, जीरो स्क्रैच से बैठी हूँ आज तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, जो जीरो से बैठता है वो बहुत आगे तक जाता है, ठीक है। और जो जैसे मंजूनाथ जी हैं वो यहाँ से बैठे हैं तो ये और आगे चले जाएंगे, तो हमारे यहाँ तो आगे जाने की कोई लिमिट नहीं। चलो एक और क्वेश्चन पूछता कि वास्तुशास्त्र दो धुरियों के ऊपर टिका है, इट हैज टू सेंटर्स। वास्तुशास्त्र के दो प्रबल सेंटर्स हैं, पहला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दूसरा है सनलाइट, यानी सनलाइट। तो हमें कितनी सनलाइट मिलती, How much sunlight we get? देवेश जी सर मेरे से पूछ रहे हो? अरे मैं अगले से देवेश जी से पूछ लेता हूँ। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। हाँ जी पूछो सर, मुझे तो नहीं पता। से पूछ लेंगे कोई? नहीं सर मुझे भी नहीं पता है सर। आपको भी नहीं पता? तो ये राज मुझे ही खोलना पड़ेगा क्या? ऐसे कठिन कठिन सवाल पूछोगे दसवीं में आएगी? अरे दसवीं में आ जाते तो बता देते। अनलिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड इज अनलिमिटेड इन नेचर। सूर्य की किरणें कितनी आ रही हैं कोई कह नहीं सकता, अनलिमिटेड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। सक्सेस, मनी, प्रमोशन, न्यू क्लाइंट्स, ये होते हैं नॉर्थ के करेक्टर्स। बिल्कुल यही है, तो ये अनलिमिटेड है आपके लिए। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आ रही है, अनलिमिटेड आ रही है, तब तक आपके पास सक्सेस, सफलता, धन, संपन्नता, प्रमोशन, आगे बढ़ने के कितने परसेंट चांसेस है, अब बता दो। अनलिमिटेड। तो ये विद्या आपको बताती है कि यू हैव अनलिमिटेड ग्रोथ इन एवरी रीलम ऑफ लाइफ। ईस्ट से आता हुआ सूर्य आपको देता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सोशल सर्किल, प्राण ऊर्जा, हेल्थ, ये देता ना, ठीक। तो ये कितनी है आपके पास? अनलिमिटेड। तो मेक यू लिमिटलेस।
वास्तु मेक्स यू लिमिटलेस, ये वास्तु शास्त्र का वायदा है, नारा है, यू विल बी लिमिटलेस इन दिस 8 days. आपको बस विश्वास होना चाहिए कि लिमिट तो हमने बनाई, ठीक है ना. कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो जोर से मारो यारो, ऐसा कोई शेर हम लोग मारते ही नहीं, हम लोग पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं, मैं मारू 10 फुट तक जाएगा, है ना, वो मार के तो देख उन्हें 20 फुट तक चला जाएगा, बस इससे आगे तो नहीं जाने का. लेकिन एलन मस्क ने मारा है उसने, है ना, आज की तारीख में वो टूरिज्म करा रहा है अंतरिक्ष. टेस्ला निकला, जो टेस्ला कंपनी है वो टूरिज्म करा रही, वो आसमान में छेद करके वापस भी ले आती है, उन्हें आ जाओ जी. जेफ बेजोस उसका शायद पहला यात्री था जो ऊपर से करके नीचे भी आ गया, तो हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं. तो यू हैव अनलिमिटेड पावर, आपको बस इस बात पे बिलीफ रखना है. सक्सेस की कहीं कोई कमी नहीं है, और इंडिया में तो खासकर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा रिसोर्स बताओ इंडिया में क्या है, कोई है जो बताएगा कि विच इज द ग्रेटेस्ट सोर्स इन इंडिया? बोलिए मंजुनाथ सर. सर पीपल, ह्यूमन इज अ रिसोर्स इन इंडिया. हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, आपके पास इतने सारे ग्राहक हैं, इतने सारे ग्राहक हैं, तू बेचने वाला तो बन, क्योंकि पैसा कुछ ना कुछ सेल करने से आता. लाइकवाइज वी आर सेलिंग यू क्वालिटी एजुकेशन, तो आप उसके पारितोषक के रूप में आपने फीस जमा करा दी अपनी, है ना. अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आप नहीं कराते. आप भी अगर जाके अपनी सर्विसेज को शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको पैसे मिलेंगे. तो वास्तु शास्त्र विल मेक यू लिमिटलेस, और आपने अभी कसम खानी है कि यस वी आर लिमिटलेस. एक बार अपने आप से जोर से बोलिए, लिमिटलेस. जब हम जोर से कोई कमिटमेंट करते हैं तो कॉस्मोस उसे सुन लेते हैं, और फिर आपको वही लिमिटलेसनेस मिल जाती है. और अभी तक हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं, या पता नहीं कोई मैं वास्तु करने तो जा रहा, पैसे देगा नहीं देगा कोई, यार भाई मैंने 5 उंगलियां देखी, दिया तो इसने कुछ भी नहीं, ठंड ठंड होगा. बिलीव्स हमारे खराब है. आपने लिमिटलेस बनना है कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे ऑटोमेटिक रूप से आएंगे, इसे आपने हमें सोचना है. वी आर मनी मैग्नेट. आगे बढ़े, इनर रियलाइजेशन, ये जो मैंने आपको बताया इनर रियलाइजेशन, ताकि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है गड़बड़ है, उन चीजों को इन्फ्लुएंस करने में जिसमें हमारी बिल्डिंग है वास्तुशास्त्र का मदद करता है. आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ जाएगी अगर आप वास्तुशास्त्र की कक्षाओं से जुड़ जाएंगे, या आप उसको प्रैक्टिस करने लगेंगे. आपका नेचर ऐसा हो जाएगा कि यू विल बी कंसिस्टेंट इन एनी फील्ड, आप उसको करते ही चले जाएंगे, और धीरे धीरे आपको उसका जो रिजल्ट है कंपाउंडिंग में मिलेगा. तो आपका इनर स्पेस आउटर स्पेस दोनों सुधरेगा. अब देयर आर 3 types ऑफ स्पेसेस इन दिस होल वर्ल्ड. फर्स्ट इज स्पेस, जिसको आंतरिक कहते हैं, आकाश का. सेकेंड इज स्पेस ऑफ योर हाउस, जिस भी घर में फ्लैट में आप किराए पे रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं, उसमें एक स्पेस होता है ना. माय रूम इज अ स्पेस, माय हाउस इज 2000 square feet, माय हाउस इज 200 square feet, माय हाउस इज 400 square feet, दिस रूम इज 150 square feet. तो ये आपको स्पेस मेजर कर रहा है. और तीसरी स्पेस है योर इंटरनल स्पेस, इंटरनल स्पेस. तो आपने कभी कभी ऐसा कहा होगा कि आज मुझे स्पेस नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही अपनी बात कहने की, तो बात कहने की जगह नहीं मिलती, तो क्या होता है, बंदा अंदर ही अंदर घुट जाता है. एक होता है ऐसा, वो है किसी के साथ है तो हाथ उठाए दम मारा एकदम जोर के, ग्रेट. और जो लेट गो कर देगी, यार चल ठीक है उसने मेरी बात नहीं सुनी, ऐसी की तैसी, तो बातें अंदर अंदर जला देती हैं व्यक्ति को,
कहते हैं ना, तेरी बात सुन के मेरा दिल जल गया। सासू माँ तुम्हारी बात सुन के मेरा दिल जल गया लेकिन मैं कह ना पाई। और होगा क्या, अर्थराइटिस हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, वो सोच सोच के वो बीमारियां आ जाएंगी। स्ट्रेंथ, वास्तुशास्त्र आपको अपनी बात को कहने में या अपने स्टैंड पर रहने का स्ट्रेंथ देगा। ये हम स्ट्रक्चरल फोर्स से लेंगे, ये सारे के सारे जो वरदान मैं आपको बता रहा हूं वो हम स्ट्रक्चरल फोर्स से ले लेंगे। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ आवर हाउस। अगर हमारे को इतना धैर्य दे देगा भगवान कि अगर हम कहीं सक्सेसफुल नहीं भी होते 1-2% तो हम फिर भी कूल रहेंगे ना, ठीक है प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी, जैसा ये चल रहा है वैसे ही रहेंगे। जो घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बन जाते हैं या जहां पर वास्तुशास्त्र के नियम लागू हो जाते हैं उनके अंदर एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है। जब एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है तो उन घरों में हमारा मन लगने लगता है। क्या लगने लगता है? मन लगने लगता है। अगर एक बच्चे का, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे का स्टडी टेबल वास्तुशास्त्र के अनुसार लगा दिया जाए, और मेरे पास ऐसे सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पे हमने उनका स्टडी टेबल वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार लगा दिया, बच्चे ने 2 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया। 40% वाले बच्चे 90-95% पे पहुंच गए, और उसके बाद उन्होंने जो सबसे हाईएस्ट एग्जाम्स होते हैं जिनको हम जानते हैं, शुरुआत हो जाते हैं कंपटीशन इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, यूपीएससी का, वो सब क्रैक किया। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से आज से 15-20 साल पहले जुड़े, एंड दे आर डीएम, कोई एडीएम है, कोई एसडीएम है, कोई एसएसपी है, कोई एसपी है, तो उनसे भी अपना लगाओ जुड़ाओ चलता ही रहता है। तो वो स्पेस आपके लिए ऐसा अट्रैक्शन पैदा कर देती है कि आप जय जयकार हो जाती है। ऐसे ही जहां पर हमने आज से साल भर पहले, 2 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले वास्तु से काम किया किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में, उन व्यक्तियों की 6-6 फैक्ट्रियां लग गई, क्योंकि दिशा के बल ने उनको किस काम के लिए वास्तुशास्त्र किया, धन आएगा, धन के लिए, सक्सेस के लिए वास्तुशास्त्र किया, तो वो लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए। ये वास्तुशास्त्र आपको ये दे सकता है। वास्तुशास्त्र आर्किटेक्ट के साथ मिलकर बेस्ट स्पेस मैनेजमेंट करता है, बेस्ट स्पेस मैनेजमेंट। अगर हम जो जो रूम्स यूज करते हैं वास्तुशास्त्र आर्किटेक्ट में, हमने घर में उन रूम्स की प्लेसमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सही सही दिशाओं में हो जाए तो वो रूम अपेशियस हो जाते हैं। वो रूम जब हमें कंफर्ट चाहिए होता है तो कंफर्ट देते हैं, और जब हमें वर्किंग चाहिए होती है तो वो वर्किंग देते हैं। नहीं, अब रात को हमें क्या चाहिए, रात को क्या चाहिए, स्लीप, नींद, निद्रा। तो जब वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बना होगा तो हम आराम से सो पाएंगे, और जब हमें सुबह उठ के काम पर जाना होगा तो आपका घर फैसिलिटेट करेगा, उठ, भाग और प्राप्त कर, है ना, उत्तिष्ठ, प्राप्त, वरानी, वरानी बोध्य। विवेकानंद जी ये कहते थे, उठो और जाके प्राप्त कर लो, इतना ही आसान है। हम लोग उठते ही नहीं, हम लोग प्रोकास्टिनेटर होते हैं, आउटकम तय नहीं करते। ये बातें सारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारा नेचर है, वी ह्यूमंस हैव नेचर कि बिना मतलब के कोई काम नहीं करते। जिस काम में मतलब ना हो उसमें उसको हम करते नहीं। तो ऐसा कोई बिना मतलब का काम है जो हम रोज करते हैं? एनीबडी, जिसमें हम 3-5 घंटे 4 घंटे लगा लेते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई आउटकम नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है उसकी, कोई बताएगा वो काम क्या है? बताइए रचना जी। मोबाइल फोन सर, मोबाइल में अड़ंगा है और तो सारे की दुनिया बिना किसी काम के कहां लगी हुई है, मोबाइल बाजी, और उसका कोई आउटकम नहीं। लेकिन हम लगे क्यों हैं उसके अंदर, जब हमें पता है कि मोबाइल देखने से 1 पैसे का लाभ नहीं है,
तो भी हम क्यों देखते हैं, बताएगा कोई इस बात? लोग टाइम पास करते हैं, उनको कुछ करना नहीं है शायद इसीलिए। नहीं तो हमको इम्पोर्टेंस नहीं रहता है सर, मतलब हमारे घर में हमको इम्पोर्टेंस नहीं रहता है इसलिए हम दूसरी कुछ क्रिया करते हैं। मतलब आपको घर में अगर आपकी पत्नी इज्जत नहीं दे रही तो आप मोबाइल में घुस जाओगे? तो पैसा उतने टाइम में तो पैसा कमा लो, उतने टाइम में एक और कोर्स कर लो, उतने टाइम में एक और वीडियो देख लो, उतने टाइम में एक और बुक पढ़ लो, क्यों नहीं करते? वही कर रहे हैं सर, वही कर रहे हैं। वो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सर मोबाइल देखते हैं। अब सोशल कॉन्टेक्ट का समाप्त होने के कारण अपना मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं। बढ़ गया ना। पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि यहाँ आप स्क्रीन टाइम देख रहे हैं और कुछ सीखने के लिए, उसके लिए आप प्लीज अपने लिए ताली हो जाती है। मैं स्क्रीन करूँ और आपको सिखाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, लिमिटलेस सिखाने के लिए तत्पर हूँ, तो मेरे लिए भी बता दीजिए। ठीक है, अमेजिंग। हम लोग वाकई बिना किसी चीज के कोई काम नहीं करते। हमारे तीन सेंसेस हैं, उसको कहते हैं ऑडिटरी यानी कान, आंख और फीलिंग्स। ये तीन सेंसेस हैं हमारे, मोबाइल उन सबको संतुष्ट करता है। अनोइंगली हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। समाधि में क्या होता है, मतलब इतना लंबा काम करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान के बाद समाधि प्राप्त करते थे ऋषि, और मोबाइल हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है जिसे टाइमलेसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइमलेसनेस। आपको समय का भान ही नहीं होता। अभी ट्रिपल आर पिक्चर देखी थी, उसमें 3 घंटे पता ही नहीं चले कहां गए, चले पता। या आपने वो देखी होगी अभी आज की तारीख में कौन सी, केजीएफ केजीएफ बस हुआ गया, बिल्कुल बेकार पिक्चर थी। मुझे तो उसका एंड ही इतनी समझ में आया कि मतलब अरे भाई इतना सोना तूने इकट्ठा किया हमारे देश में, दे देता कम से कम सोने का हाथी तो बनाते हैं हमारे देश का। तो बिना किसी कारण, लेकिन वो हमारे तीन सेंसेस को संतुष्ट करता है। पहला हमें देखने का सुख मिलता है, दूसरा सुनने का सुख मिलता है, और तीसरा फीलिंग का सुख मिलता है। राइट, जहां पे ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं वहां हमें टाइमलेसनेस हो जाती है। जैसे इस अभी अभी क्लास में हमें बात करते हुए अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा बीतने वाला है और आपको टाइम का पता नहीं चला, टाइमलेसनेस हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ सीखने आए हैं, आपके इंद्रियां संतुष्ट हो रही हैं। एक और काम कर सकते हैं, क्या आपको पता है कि सिनेमा हॉल वाले पॉपकॉर्न क्यों बेचते हैं? डू यू नो दिस? वो खाने का सामान क्यों रखते हैं, और वहां पे जाकर आप 20 रुपए का पॉपकॉर्न 200 रुपए का क्यों खरीद लेते हैं? नहीं पता, क्योंकि टेस्ट भी उसके साथ हमारा संतुष्ट हो रहा है। तो जहां 5 इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं वहां पर अगेन टाइमलेसनेस फिर आता है। आप खा भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, एक फीलिंग भी जनरेट हो रही है, ठीक है ना। तो इस ये सारा की सारी जब आपकी 5 इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, और जब वो खाना है उसका उस वहां पे पॉपकॉर्न की स्मेल बड़ी जबरदस्त आती है, वैसे आपको बाहर कहीं नहीं पता लगेगा लेकिन वहां पर आएगी, जब स्मेल भी आती है तो हम समाधि की अवस्था में होते हैं। तो कल से क्लास में सब लोग पॉपकॉर्न लेकर बैठेंगे। नहीं सर कान में लग गए कि सर ने कहा था कि जब भी क्लास होगी पॉपकॉर्न लेकर बैठेंगे, कुछ ड्रिंक्स लेकर बैठेंगे, सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएगी। ग्रेट जी, ग्रेट, नाइस। तो वास्तु और क्या क्या करेगा आपके लिए? गुड इंस्ट्रक्शन। वास्तु का एक पार्ट है वो है इंटीरियर। दो तरह हाउस के दो रिलम्स हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में हम स्ट्रक्चरल वास्तु करेंगे कि मैप के ऊपर कैसे वास्तु हो, उसको जानेंगे। और जब हमारा इंटीरियर शुद्ध हो जाता है कि कौन सा पर्दा कहाँ लगाना है, कौन सा कलर कहाँ यूज करना है, कौन सी वॉल पे कैसी पेंटिंग लगानी है, अगर वो वास्तु के अनुसार हो तो वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है। वास्तु के अनुसार जो घर बने हुए होते हैं उनके अंदर वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त तरीके से, जहां पर वेंटिलेशन सबसे बढ़िया हो, मेरे 90 मेंटर्स में से एक मेंटर वास्तु शास्त्र में केवल वेंटिलेशन के ऊपर जोर देते। उनका कहना था कि अगर घर में दरवाजे और खिड़कियां ही नहीं हुए तो घर सांस कहां से लेगा, और जब घर सांस नहीं लेगा तो वहां पर आपका सारा किया हुआ वास्तु, सारे किए हुए उपाय फेल हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि वास्तु आपके लिए विद्या है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी उचित जितनी आपके लिए।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, किसी को प्रकाश ही नहीं मिलेगा, तो वहां का वातावरण कैसा होगा? अशुद्ध होगा। उस वातावरण में अगर हम लैट्रिन की सीट इधर घुमा लें या पढ़ाई इधर कर लें कर या सोने का डायरेक्शन ऐसे कर लें, तो भी उसका इम्पैक्ट बहुत घट जाता है। तो प्रॉपर वास्तु रिच हाउसेस हैज प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ एयर एंड वाटर। वास्तु आपके इनर सेल्फ को संतुष्ट करकर आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाता है, मतलब यू विल बी अ न्यू पर्सनैलिटी। तो एक पर्सनैलिटी के क्या क्या तत्व होते हैं, कोई बताएगा मुझे? द थिंग यू से पर्सनैलिटी, ही इज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी पर्सन, तो उसके क्या क्या अव्यय होते हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना होता है कि हमारी पर्सनैलिटी निखरे या बने? एनीबडी ऐसे करके हाथ उठाओ ना। What is personality? Yes, Suman ma'am, please कहिए। सर आपका कॉन्फिडेंस। अगेन बहुत बढ़िया। तो एक चीज नोट कर लीजिए, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज वन एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। दूसरा क्या, खाली कॉन्फिडेंस ही देखते हैं? सर जैसे हम ड्रेस सेंस बोल देते हैं, जैसे हमारे घर का इंटीरियर लाइक ड्रेस सेंस। ग्रेट, ड्रेस सेंस यानी आउटलुक कैसा होगा, ड्रेस सेंस, ड्रेस गिव्स आउटलुक। तो ड्रेस सेंस या आउटलुक हमारे पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है। और ड्रेस सेंस बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि एक व्यक्ति जा रहा है, हम उसे कहते हैं और भाई क्या हाल चाल है, लेकिन वही व्यक्ति जब पुलिस की वर्दी पहन के आ जाए तो नहीं कह सकता ना भाई साहब नमस्कार और ठीक हो। तो ड्रेस सेंस आपका आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, राइट। और क्या सर? वे ऑफ टॉकिंग, लाइक हम अगर हम घर में बोले तो हम कलर्स भी बोल सकते हैं कि हमारा कलर थीम क्या रहता है उसमें। वे ऑफ टॉकिंग जैसे हम जिसको बोलते हैं, हम कलर से क्या संबंध हुआ, मतलब मुझे समझ नहीं आया। जैसे हम अपनी पर्सनालिटी में वे ऑफ टॉकिंग करें, लेकिन हम घर के इंटीरियर में अपना कलर्स भी देखते हैं कि क्या है हमारा। अच्छा, मतलब अभी खाली अपनी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, घर की पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहे। वे ऑफ टॉकिंग सर, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी गुड। तो कॉन्फिडेंस हो गया हमारा, हमारा आउटफिट हो गया, और हमारा वे ऑफ टॉकिंग। और क्या कहता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज सर। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, Do you know कि body language plays vital role, 80% part of communication, 80% part जो है वो body language कह देती है। कितना? 80%। और जो हम बोलते हैं वो 20%, वो 10% part है। मतलब बोलने का impact ही नहीं है, 80% body language, 10% आपका कहना और 10% आपका वो कॉन्फिडेंस है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिससे व्यक्ति बात समझ जाता है। तो कभी कभी हमारे बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा विवेक जी का, जिनकी ऐसी स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, जिसने मेरे हार्ट टच कर लिया, दिल को टच कर लिया। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैंने इनके लिए, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। ये चाइना चले गए और वहां रास्ता भटक गए, हाँ, और ना फूड वहां का इनको रास आ रहा था, ना इनको बोलना आ रहा था, ना इनके पास कम्युनिकेटर था जो व्यक्ति को, ये खुद ही बताएंगे। और उसके बाद भी ये वहां तक गोंजो तक पहुंच गए और वापस आ गए। बजाज साहब नमस्कार, हमारा बड़ा आज भाग्य है कि ये हैं हमारे साथ में। तो इन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया होगा, मतलब मैं कभी कभी उसको मॉडल करने की कोशिश करता हूँ, कॉपी करने की कोशिश करता हूँ कि मैं चाइना में हूँ और मैं उनसे कह रहा हूँ चाओ चाओ पाओ पाओ काओ काओ, कि कैसे करा बजाज साहब आपने कम्युनिकेट, बताइए। गुरुदेव हर हर महादेव, राहुल भैया राम राम हर हर महादेव जी सबको। बिगबीर ना, ये 2007 की बात है जी, कि मतलब मेरे को चाइना था और मैंने यही सोचा था कि मैंने इंपोर्ट करनी करनी है, करने का। हां, मैंने पासपोर्ट बनवाया ना, मेरे पास उस वक्त कुछ ही, पासपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था, और ना एक्सपोर्ट लाइसेंस कुछ भी नहीं था। मैंने कहा मैंने मतलब इंपोर्ट करना और करना है। मैं यहाँ से $10,000 जेब में डाल के चला गया और मेरे को जाना था शिंगई और पहुंच गया मैं गोंजो जी। और जब मैं पैसे लेके पहुंचा वहां पर, और वहां पर मैंने बाहर कस्टम से ही, वहां पर जो कस्टम इमिग्रेशन के बाद मैंने अपने पैसे वहां से $200 खुले करवाए, मतलब RMB करवाया, और बाहर जाके देखा कि मैंने अब कहाँ जाना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ना मेरे को वहाँ लैंग्वेज आती, कुछ नहीं आता था, ना वहाँ के लोगों को, उस वक्त 2007 में इतनी इंग्लिश भी नहीं आती। तो मैं एयरपोर्ट के बाहर जाके देखा कोई बंदा कुछ नहीं, मैं कहा होटल वोटल भी नहीं है, तो मतलब मेरे को 2.5 घंटे सोचने में लगे कि मैं करूं क्या। मैं फुटपाथ पे बैठ गया, फिर दिमाग लगा यार जहां बस खत्म होती है वहां बस अड्डा जरूर होगा।
बस अड्डा होता सामने होटल जरूर होते हैं, तो मैं वहां पर बस के ऊपर चढ़ा और वहां पर मैंने उससे बोला भाई मेरे को टिकट दे दे, पर उसकी कोई समझ में नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। चाइना में कहा आपने दरियागंज दिखा दो भाई जरा मुझे। भाई चांस बात है कि मतलब वहां पर कोई सज्जन आ गया उस वक्त, तो वो उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो मैंने उसको ये बता दिया कि वेयर बस एंड यू गिव मी टिकट आई स्टे हेयर, तो उसने मेरे को वहां से टिकट दी। और करीब पौने तीन मतलब मेरी फ्लाइट सुबह 5 बजे उतरी गुरुदेव, और मैं वहां पर जब बस अड्डे पर पहुंचा तो 3 बज चुके थे जी। और वहां से मैंने देखा यार कि यहाँ पर होटल उतरा और देखा होटल दूर नजर आया कि रमादा होटल है, मेरे को लगा ये पास में होगा, पर वहां पर चलते 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 मेरे की जो हालत हुई मैं आपको बता नहीं सकता। 7:30 बजे पहुंचा और मैंने कहा भाई इंग्लिश विंग्लिश छोड़, ये तू $500 रख मेरे को कमरा दे दे, रूम उसको रूम समझ में आ गया। अगले दिन मैं सुबह उठा और मतलब फिर मैंने आपको बताया कि मतलब अगर मेरे को वहां अगर वॉशरूम भी जाना था मेरे को नहीं पता था, तो मैं इशारे से करता था भाई सुसु आया मेरे को जाने दे। और वहां पर ना सच्ची बात है कि वहां पर आपको हर जगह लोकल नहीं मिलेगा, और वहां के पॉट्स टोटल डिफरेंट है, हम अगर बैठते हैं तो ऑपोजिट साइड पे करके बैठते हैं। और मतलब वहां पर ना सिर्फ खाना पीना जो होता है वो एकदम ना नमक होता उसके अंदर ना मिर्चें, और हमें इंडियंस को मिर्चों की आदत है, मतलब लिटरली मेरे को मिर्ची लगी तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को मिर्च वाला खाना दे रहे मैं मतलब मजा नहीं आ रहा मेरे को। मतलब आपको मैं एक्सपीरियंस बताया सारा, इट वॉज अ गुड। तो मतलब ये ऐसी स्टोरी है जिसने मेरे को मतलब अंदर तक हिला दिया, या ये सुना रहे इतने मजे से, लेकिन आप खुद को रख के देखो इनकी जगह कि मिर्ची चीज है, सूसु आया तो वो ये भी नहीं पहचानते कि ये क्या है, नहीं पहचानते सर वो ये भी नहीं पहचानते। मतलब पानी पीने के लिए भी ना मतलब हम पागल हो गया था मैं कि मैं पानी मांग रहा हूँ और वो कुछ समझ नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये बच के आ गए, फिर भी इन्होंने 3 दिन के बदले 7 दिन लग गए थे, फिर भी इन्हें वो रूम मिला, वो कम्युनिकेशन था, बॉडी का कम्युनिकेशन। तो हमारी बॉडी हमारी काइनेस्थेटिक, थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू सो मच, इतने जबरदस्त तरीके से कम्युनिकेट थी। अब ये कम्युनिकेशन अगर हमारा घर में हमारे से हो जाए, हमारा घर भी हमसे कुछ कहता है, तो एशियन पेंट की क्या टैगलाइन थी, हर घर कुछ कहता है, और हमारी क्या है, हर घर कुछ कहता है, हम उसकी सुनते हैं, वास्तु वाला घर की सुनता है। और आपको मैं एक राज बताता हूं कि मैं परसों एक फैक्ट्री में गया, उन्होंने नई मशीन इम्पोर्ट करी, सेकेंड हैंड इम्पोर्ट करी, तो मैंने उनकी क्लीनिंग करनी थी वहां जाके, हमारा एक प्रोसेस है क्लीनिंग का, मैंने उसकी क्लीनिंग करी मशीन की, तो मशीन ने मुझे कहा कि मैं चलूंगी नहीं, यू वोंट बिलीव, उस मशीन ने इंटरेक्ट करके मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर चलूंगी नहीं। तो मैंने उससे पूछा बहन क्यों नहीं चलेगी तू यहाँ पे, ऐसे मतलब संवाद चल रहा है जैसे आपका और मेरा चल रहा है, और सब इंटरनली कह रही जो मेरा पहला मालिक था ना उसने मेरे पे बहुत अत्याचार करे, और मैं यहाँ घुस गई, मैं आज घुसने में भी मैंने इनको दिक्कत करी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने खुराना साहब ये जो मशीन लेकर आई सुबह इसके साथ क्या हुआ था, कुछ टूट फूट हुई क्या, कह रहा है अरे बड़ी मुश्किल से अंदर गई है और इसका ये पट्टा सा टूट गया, अगर नीचे से टूट जाता तो ये सारे हमारे 1.5-2 करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते, पर तुम्हें कैसे बताई ये बात, मैंने मशीन ने बताया, कह रहा मशीन कैसे बोलती है, मैंने हम सुनते हैं, तुम्हारे लिए तो नॉन लिविंग थिंग है बट हमारे लिए ये लिविंग बींग है, और मैं मेरा पिरामिडोलॉजिस्ट पे बहुत बड़ा काम है। तो मैं एक घर में गया, 1 साल पहले पिरामिड लगाए, कोई रिजल्ट नहीं आया, मैं वहां गया, वहां जैसे ही मैं गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे जो मैंने पिरामिड लगाए थे वो चीख पुकार मचा रहे हैं, क्या हो गया भाई तुम्हें सबको, ऐसे ही कह रहे नहीं ये घर अच्छा नहीं है हम यहाँ रहेंगे नहीं, मैंने सब पिरामिड उतारो तुम्हारा सब कुछ भला हो जाएगा, पिरामिड उतारे 2 महीने के अंदर रिजल्ट आया, सबको लाके प्यार से साफ सूफ किया और ये किया। वो क्या करता था व्यक्ति कि रोज सुबह यार ये लगवा लिया हमने पिरामिड इसका कोई रिजल्ट तो आया नहीं, मतलब वो अब्यूज करता था, ऐसा होता है ना, तो वो इंटेंशन वो वापस कई गुना करके लौटा रहे थे उसे, और जब वो उतारे तो वापस आ गए। ये सब केस स्टडीज हैं, ये सब धीरे धीरे आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हर चीज इंट्रैक्ट करती है आपसे, जब आपकी इंट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है, जैसे कि हमारी बॉडी से काइनेस्थीसिया बढ़ गया, काइनेस्थीसिया का मतलब फीलिंग्स बढ़ गई, तो फीलिंग्स आपसे कुछ कहना शुरू कर देती हैं। और अभी ये आदत हो गई कि घर में घुसते ही पता लग जाता है इसमें क्या वास्तु दोष है और क्या नहीं, कितनी देर लगती है, 5 से 5-4-5 मिनट आप घुसे घर में और आपको आपके वास्तु जोश पता चल गया। बबीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए, सॉरी दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। सर जैसे आपने कहा ना कि मशीन ने आपसे बात करी, तो वैसे ही अभी मैं इंडिया में थी तो मक्खियां बहुत आ जाती हैं घर में,
तो मैं उनसे बात करती थी कि भाई क्या बोलने हैं, ये कुछ बोलना चाहती है समथिंग, तो वो हाथ पे बैठती थी, मैं विंडो से या दरवाजे से, तो फिर सब मुझे बुलाते थे, आ गई भाई यही बात करके उसको निकाल सकती है। ग्रेट, तो आपका इंटरेक्शन हो गया उनसे। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो पेट्स रखते हैं, अपने पेट्स बोल नहीं सकते, और अगर आपने कभी खरगोश पाला हो तो खरगोश की कोई आवाज ही नहीं होती, इवन छिपकली की भी आवाज होती है, वो एक तरह की साउंड करती है, लेकिन खरगोश कोई आवाज नहीं करता, लेकिन खरगोश पालने वाले उनको पता लगता है कि खरगोश को कब क्या चाहिए, है ना। तो आपका ऐसे घर जो है हमारा, इट्स ए लाइव एंटिटी। तभी हमारे ऋषियों ने वास्तु पुरुष की परिकल्पना करी कि इस धरती के अंदर जो हमारा घर है उसमें एक वास्तु पुरुष का वास है, जिसका सिर नॉर्थ ईस्ट में है और पैर साउथ वेस्ट में है, राइट आर्म साउथ ईस्ट में और लेफ्ट आर्म नॉर्थ वेस्ट में। और ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं, और आप आगे जाके उसको देखोगे अपने घरों में, कि जिनकी राइट नी राइट एल्बो में दिक्कत होती है उनके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है, जिनकी लेफ्ट नी लेफ्ट एल्बो में प्रॉब्लम होती है उनके नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है, जिनको ब्रेन ट्यूमर रेपिटेडली हो रहा हो या बाद में वो फैल रहा हो उनके नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है, जिनको पाइल्स की परेशानी होती है उनको साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है, जिनकी एडी में दिक्कत होती है उनको भी साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम। पूरा शास्त्र वास्तुशास्त्र आपके हेल्थ के ऊपर रखा हुआ है। और जियोपैथी स्ट्रेस, जियोपैथेटिक स्ट्रेस, जिसका हम जिक्र करेंगे इस वाले कोर्स के आज से सातवें आठवें दिन, कि नेगेटिव एनर्जी कमिंग फ्रॉम अर्थ, व्हेन आवर हाउस कम्स ऑन अर्थ प्लेट, अर्थ नीचे से हमें ऊपर से समतल नजर आते हैं लेकिन नीचे से वो कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्थ प्लेट या अंडरग्राउंड वाटर करंट, या घर के नीचे कोई पुराना गधा घोड़ा कुत्ता या कुछ दबा पड़ा हो, वो जहां पर निकलता है वहां से नेगेटिव रेज इमिट होती है। तो ऐसा पूरा वर्ल्ड वाइड वर्क चल रहा है इसके ऊपर, और इसको WHO कहता है सिक होम सिंड्रोम। क्या कहता है? सिक होम सिंड्रोम, बीमारू घर, देसी भाषा में कह दिया जाए कि ये बीमार। और उसका जो टर्म है वो है जियोपैथेटिक स्ट्रेस के कारण होता है, जिसका रिमूवल हम 110% सीखेंगे इससे अगले कोर्स में, पर आपको पता होना चाहिए। और उसका पहला लक्षण क्या है अगर आप जियोपैथिक स्ट्रेस जोन में है, कि आपको फटीग हो जाएगा, आप थक जाएंगे। जब आप थक जाएंगे उसके बाद आपको छोटी छोटी बीमारियां होनी शुरू होंगी, और उसका एंड रिजल्ट जो है वो कैंसर है। तो कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय रिमूविंग जियोपैथी स्ट्रेस, और हमारे ही पिछले बैच के 3 स्टूडेंट्स इस मामले में स्पेशलाइजेशन हासिल कर चुके, जो आप भी करने वाले हैं जी। उन्होंने बेसिक, प्रोफेशनल, और आगे जो अपनी लाइव क्लास है वो पूरी पूरी कर ली, तो उसमें से 2 लोग वाटर फाइंडर हो गए, और एक को कैंसर में काफी सारा सुविधा मिलने लगी कि वो चीजों को जोड़कर कैंसर को रिमूव कर सकते हैं। मंजुनाथ जी बताइए। सर मेरा घर में जियोपैथिक स्ट्रेस था सर, मुझे पता नहीं था सर उसके बारे में। मैं नवंबर में एक कोर्स गया सर, उसके मतलब लेकर एंटर यूज करके मुझे पता चला। मेरे मदर को और दोनों आके एक जगह में इंटरसेक्ट करते थे सर जी। मेरे मदर को अभी एक किडनी रिमूव किया सर, कैंसर आया था जी। और हमारा साउथ वेस्ट में भी डोर था, वो दोनों भी मिला के प्रॉब्लम हो गया था। अभी मैं जियोपैथिक रॉड कर डाल के और रिमूव किया उसे। जियोपैथिक रॉड उसका सबसे बड़ा आसान तरीका है। जियोपैथिक रॉड डाली जाती है लेकर एंटीना से या यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर की मदद से। वो अपन भी सीखेंगे, मतलब एनर्जी वास्तु का अपना यहाँ से तीसरा कोर्स जो है वो भी बहुत हिट है, नो डाउट आपको उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन इस वाले कोर्स में मैं आपको रेडी रेकनर बता दूंगा। अगर आपको जियोपैथी स्ट्रेस फाइंड करना नहीं भी आता तो भी मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता दूंगा जिसको कहते हैं 8 एलिमेंटल रॉड रेमेडी। वो आपकी जियोपैथी स्ट्रेस को बिल्कुल जीरो नलीफाई कर देगी और आपका घर सुखी रहेगा। क्योंकि पहला सुख तो भगवान ने क्या कहा? निरोगी काया। अगर निरोगी काया होगी तो ही हम आगे सुखी रह पाएंगे। हमारे रिलेशनशिप्स अपने घर में और पड़ोसियों से बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर हम वास्तु के सारे रूल्स को अपनाते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज में एनहांसमेंट मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे योगाचार्य आते हैं, हरिद्वार चूंकि नगरी है जहां पर बहुत सारे धर्म गुरु रहते हैं, और अगर उनका ध्यान नहीं लगता तो उन्हें परेशानी होती है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ईश्वर का अधीन समर्पित कर रखा होता, तो वो उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में
सहायता करता है। जब आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो जाती है, व्हेन योर डिजायर फुलफिल्स, तो आप क्या मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी एक अवस्था की, हाँ बस मेरी बेटी की शादी हो गई, अब मैं गंगा जी नहाया, ऐसा बोलते हैं ना लोग, मेरे पास कार आई, तो वो जो फीलिंग होती है वो एक अपने आप में बहुत जबरदस्त होती है। तो वो फीलिंग आपकी विशेष पूरा करके वास्तु शास्त्र आपकी हेल्प करता है आप ही के घर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम इस कोर्स में आगे जानते रहेंगे, जानते बूझते। तो आर यू रेडी टू ज्वाइन दिस जर्नी? सही, यस, एकदम जोश के साथ, खाली नहीं बैठना। यस सर, जो बता दोगे वो देख लेंगे, जो दिखा दोगे वो सीख, नॉट एट ऑल। क्योंकि जब आपके ऊर्जा अगर आपके स्पंदित नहीं कर रही, आपकी ऑरा वाइब्रेट नहीं कर रही, तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे, पात्रता बढ़ती है। तो से यस, वी आर रेडी टू ज्वाइन दिस जर्नी। तो इस जर्नी के डे वाइज में क्या होने वाला है, जो कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, वो मैं आपको एक बार इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। और ये कोर्स आउटलाइन है हमारी, और फिर मस्ती कर रही है। आज तो कोर्स आउटलाइन आई नहीं रही, क्या बात है, मन उसका मन नहीं कर रहा आने का। तो पहले दिन अपन करेंगे, हम सब लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तुशास्त्र, स्टोरी ऑफ वास्तु पुरुष, फाइव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्लॉट का सिलेक्शन कैसे करें, और कितने तरह की मृदा या मिट्टी होती है, लॉइन सॉइल टेस्टिंग कैसे करेंगे कि ये प्लॉट हमें लेना है या नहीं लेना। सेकेंड डे में हम ब्रह्म स्थान को फाइंड करना सीखेंगे, रेगुलर और इरेगुलर प्लॉट्स को, जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट्स होते हैं उनमें बहुत आसान होता है, फाइंडिंग करेक्ट डायरेक्शन विद हेल्प ऑफ शक्ति चक्र। ये शक्ति चक्र दे रखा है, हम इसको फाइंड कर लेंगे कि ये शक्ति चक्र लगा के कितने डिग्री पर कितना कुछ आता है। अगर आपको ये तब भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बहुत इजी इजी टेक्निक्स बता दूंगा कि आपको डायरेक्शंस कैसे बनानी है। चार प्रमुख डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आप सबको पता है। इन डायरेक्शंस के क्या एट्रीब्यूट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, यानी ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इनके कैरेक्टर्स को सेकेंड डे में जान लेंगे हम। थर्ड डे में बाकी की बची हुई 10 दिशाएं, क्योंकि हमारे वास्तु शास्त्र में 18 दिशाएं हैं, उनके बीच की भी डायरेक्शन, यानी NNE, ENE, ESE, SSW, WSW, WNW और NNW को भी हम थोड़ी डिटेलिंग में जान पाएंगे, और इन जोन के कौन कौन से कलर होते हैं जिससे कि ये बैलेंस हो या ये एनहांस हो, स्ट्रेंथन हो, उसके विषय में भी हम पूरी पूरी चर्चा करेंगे। अब कहां पर क्या हो, वास्तुशास्त्र का ये बहुत बड़ा एक प्रारूप है, लिविंग रूम कहाँ हो, किचन कहाँ हो, स्टडी रूम कहाँ हो, पूजा कहाँ हो, बेडरूम कहाँ हो, टॉयलेट कहाँ हो, बाथरूम कहाँ हो, सेप्टिक टैंक कहाँ हो, वाटर टैंक कहाँ हो, बालकनी कहाँ हो, हम अपना झाड़ू कहाँ रखें, हम अपने डस्टबिन को कहाँ रखें, हम अपने शूज को कहाँ रखें, हम अपनी पढ़ाई की किताबों को कहाँ रखें, हम अपने बच्चों के बैग्स को कहाँ रखें, ये सब कुछ जानेंगे डे फोर में। आपके मन में भी कोई प्रश्न रखा हो ऐसा, तो आप प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा, उस दिन पूछ लीजिएगा। वास्तु दोष क्या होते हैं, इसके बारे में हमने सुना तो बहुत है, वास्तु दोष मेरे घर में ये कर गया, वास्तु दोष ऐसा हो गया, तो हम जानेंगे वास्तु दोष होते क्या हैं और उनके उपाय यानी रेमेडीज क्या होती है। डे सिक्स में हम इम्पैक्ट ऑफ एंट्रेंस, ये डे टू में भी करवा देता हूं मैं, कि डे टू में या डे सिक्स में हम लोग एंट्रेंस के ऊपर बात करेंगे। देयर आर 32 टाइप ऑफ एंट्रेंस इन वास्तुशास्त्र, ऑन इन विच 8 आर जस्ट फंक्शनल, 8 तरह की केवल एंट्रेंसेस जो है वो अच्छी हैं। अगर एंट्रेंस सही हो तो 50% वास्तु आपका वैसे ही सही हो जाता है। कट्स एंड एक्सटेंशंस के ऊपर बात करेंगे, अगर प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं से कटा हुआ है, कहीं से आगे बढ़ा हुआ है, तो वो कैसे आप ठीक करें या उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक करेंगे अगले कोर्स में, इम्पैक्ट यहाँ पे अपना देखेंगे। उसके बाद डे सेवन में ऑरा स्कैनर के ऊपर, जिसकी मैंने बात करी थी कि एनर्जीज कैसे फाइंड करते हैं, जीवपति स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, IRUV, PY, VY, निबंधन टूटका नजर किस तरह से फाइंड करके उसको रिमूव करेंगे, और 4 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये वाला खरीदेंगे एक्सपेरिमेंट। डे 8 में हम केस स्टडीज ले लेंगे मैप की,
और चार पार्टिसिपेंट्स की आप में से जिनको मैप रेडी होंगे उसकी वास्तुशास्त्र देख लेंगे। और डे 9 में कहेंगे टाटा बाय बाय, अगले कोर्स में फिर मिलेंगे, है ना। तो ऐसा अपन सब लोग करने वाले हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ इफेक्ट हुआ होगा, कुछ सीखा भी होगा, कुछ जाना भी होगा। बात कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन हो किसी के दिल में तो पूछ लें, और उसके बाद चलते हैं गुड नाइट कहने के लिए। कहिए जी राहुल भाई। मैं यही YouTube व्यूअर्स के लिए उन सबका स्वागत करता हूँ। क्लास कल से कंटिन्यू होने वाली है, सो ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन, कनेक्ट विद मी ऑन 77159300000। तो ये वाली क्लास YouTube पे जाएगी, मुझे मालूम नहीं था। आप ने वैसे इतने अच्छे से वेबिनार्स पूरी इतनी बढ़िया मास्टर क्लास प्री गिफ्ट की है सर, एक और चली जाएगी तो कौन सा। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई बात ही नहीं। मुझे मतलब जितना ज्यादा प्रचार हो, जितना ज्यादा प्रसार हो, आपके भी इम्पैक्ट कोई हो तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि अपना जो लक्ष्य है वो बड़ा है, हमारा लक्ष्य सारे देश पे वर्क करना है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप सब कुछ पढ़ा देते हो, आपके आपके कॉम्पिटिटर्स पैदा होंगे। मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर हम एक 35 करोड़ भी वास्तु कंसल्टेंट हो गए तो भी 100 करोड़ बचते हैं, है ना। तो इससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको इतना प्रसारित करें, जो यहाँ सीखें वो अपने रेडिली लोगों को बताएं, अपने दिल में कुछ ना रखें। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये बड़ी दिक्कत करी थी, उन्होंने किसी विद्या को सीखा उसके बाद अपने मन में रख के ही मर गए, तो घूमना ढूंढता ही रहता है। तो अपने ने ये सोचा कि अगर भगवान ने हमें कोई विद्या दी है तो वो सब आप ही की है, आप इसको आगे बढ़ा लें ताकि हमारा देश वापस क्या बन जाए, सोने की चिड़िया नहीं सोने का हाथी बनाना है। पिछली बार चिड़िया उड़ गई थी, इस बार हाथी बैठा है, सोने का पहाड़ लगा देंगे, राइट जी। सुमन मैम। हाँ जी सर। सर अगर घर में किसी बच्चे को व्हाइट पैचेस हो रहे हो बॉडी पे, स्टार्टिंग होती है साउथ साउथ, ठीक है जी। और बताइए कुछ सर, जैसे कई बार किसी कपल का बेड एक आ जाता है ठीक डायरेक्शन में, एक आ जाता है ईएससी में, और हस्बैंड ठीक है तो वाइफ को एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो उसका कैसे हम उपचार करेंगे? वो बदलते रहे इधर उधर बदलते रहे डायरेक्शन वाले, उसमें जरूर पूछना मेरे से, 110% आपको उपाय बताने। ओके राइट जी। नविता जी सर, यूटेंसिल्स और मसाला कहाँ पर रखना है? क्या रखना है? किचन में बर्तन और मसाला किस तरफ? जिस दिन अपन प्लेसमेंट्स की बात करेंगे ना, किचन कहाँ हो, मसाला कहाँ हो, उस दिन जरूर पूछना। किचन मेरा साउथ ईस्ट में है। अपने अपनी बात मत करो, जनता की सोचो कि मैं अब अपने लिए वास्तु क्लास करने आ रहा हूँ या सीखाना के लिए सीखना, ठीक है। तो जिस दिन अपने जो प्लेसमेंट्स के ऊपर करेंगे, यानी आज से तीसरा चौथा दिन जो होगा, उस दिन जरूर पूछना। और सर पूरा तो किसी का घर हो तो तोड़ नहीं सकते, तो उसमें क्या मतलब रेमेडी करना चाहिए? पूरा रेमेडी का पहाड़ लगने वाला है अगले पूरी के पूरी क्लास में। रेमेडी जितनी होंगी कि आप सोचेंगे मैं ये चूज करूंगा ये, और उसके जब प्रोफेशनल सिखाऊंगा तो उसके अंदर रेमेडी का हिमालय खड़ा कर दूंगा। तो इतनी रेमेडी मिलने वाली है कि आपको बड़ी शुभकामनाएं, आपने ज्वाइन कर लिया, बस आप तैयार हो जाओ रेमेडीज करने के लिए, ठीक है। आप तो पहला ही दिन है, सारे रात आज ही बोल दूंगा तो 8 दिन क्या करेंगे फिर हम? 8 दिन हम ये एक्साइटमेंट देंगे कि आज कोई भी एक पार्टिसिपेंट गाना गाएगा और पूरे 3 घंटे तक वो काम भी मेरा ही है, वो भी मैं ही कर लूंगा। राहुल जी कहिए। क्या मजा लगता है? मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। आप जो टाइम अपना हेडफोन निकाल के बात कर लो, उससे बड़ा नॉइस फ्रीक्वेंसी हो रही है। गाते हैं परफेक्ट टाइम में, वो एकदम मजा आ जाता है बिल्कुल। और आज की बात बताओ, मुझे गाने सुनने का कोई शौक नहीं है, ये भी एक कमाल है। एक पता नहीं कहां से आता है, राइट स्पॉट से गाना शुरू हो जाता है हफ्ता, बहुत मजा आता है। राइट टाइम पे राइट चीज हो जाती है, आप भी कर पाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राहुल जी कहिए। राहुल सर। हेलो हेलो सर, इस कोर्स में जो
देवताओं की प्लेसमेंट्स होती है घर में तो उसके बारे में भी बताया जाएगा क्या? और उनके केवल पेरिफेरी के देवता 32 टाइप ऑफ देवता के बारे में बताओ। ठीक है वो देखो देवता फील्ड अपने आप में बहुत बड़ी है पर हम लोग जो स्कैनर का कोर्स लेकर आएंगे उसके साथ पूरा देवता का वास्तु है। दूसरी बात जब तक आप बेसिक नहीं जानते तब तक आप देवता तक पहुंच ही नहीं सकते। देवताओं से छेड़खान करना बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत वाला प्रोग्राम है तो इस बार अपन जो है पूरा पूरा कोर्स जो है या वो लाइव क्लास में पूरी की पूरे से ले लेंगे कि कौन सा देवता है वो क्या देता है क्योंकि देवता कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। अब मान लीजिए इंद्र देवता कहाँ के देवता हैं बता सकते हो? सर अभी याद नहीं बहुत टाइम हो गया मैं बहुत दिनों से। कोई इशू बात नहीं मंजूनाथ जी कह रहे हैं ईस्ट के देवता ईस्ट में होते हैं इंद्र देवता। यस सर पक्का? हाँ सर पक्का 100%। यस सर ठीक हो गए संशय है इस भाई इस विषय में कि इंद्र ईस्ट के देवता हैं लेकिन अब मैं एक राज बताता हूँ इंद्र ईस्ट के साथ साथ साउथ वेस्ट में भी अपनी प्लेसमेंट रखते हैं तो दो जगह है 33 देवता 45 तरह की प्लेसमेंट रखते हैं। अब आपने इंद्र को एक्टिवेट कर दिया अगर वो साउथ वेस्ट में एक्टिवेट हो गया सीधा मृत्यु को प्राप्त होता है कटाक्ष से क्योंकि इंद्र का अर्थ कौन सा वज्र कौन सा अर्थ है वज्रायुध वज्रायुध है उनका और वो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना है वो एक सेकंड के अंदर आपकी जय जयकार कर देता है तो इसलिए आसान नहीं है देवता फील्ड वास्तु। मजाक कर लिया है लोगों ने उसको समझ लिया है कि ऐसे कर लो मैं वो हो जाएगा नहीं उसको पूरा ठीक से ही सिखाऊं राइट अगर आप उसके लिए भी तैयार हैं तो सही यस और यस सर लेंगे वो लाइव में सीखेंगे ठीक है। नवंबर में आ रहा हूं सर नवंबर नहीं अगस्त में दादा हाँ सॉरी अगस्त सॉरी 12-13-14-15 अगस्त मुंबई में मिलेंगे। यस सर यस सर ठीक है डन जी डन। सुमन जी कहिए हाँ जी हाँ जी सर सर मैं ये पूछना चाहती थी जैसे आपने अभी बोला कि मैं वहां पे गया मशीन के पास मुझसे बात कर रहा था तो सर हमें ये वाला फील नहीं आता कभी भी जैसे समटाइम्स होता अपने अपने लिए तो आ जाता लेकिन हम कहीं जाए तो ऐसा नहीं आता पता नहीं क्यों। जब तक आप इसे प्रोफेशनली परस्यू नहीं करोगे तब तक नहीं आता जैसे कि आपके बच्चे होंगे हैं यस सर तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि बच्चा बहुत दूर कष्ट में है और उसने बताया नहीं आपको लेकिन आपको फीलिंग आ गई माँ के साथ ही अक्सर होता है। हाँ यस होता है सर। कछुआ और कछुए के बच्चों के बारे में सुना आपने कभी? क्या कछुआ कछुई और कछुए के बच्चों के बारे में सुना आपने कभी? नहीं 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 सुना। कछुई जो है एक टापू के ऊपर अंडे देकर वापस चली जाती है और कितनी दूर चली जाती है 5,000 किलोमीटर दूर। ओके सर। उसके बाद कभी नहीं आती अपने बच्चों के पास कछुई कभी नहीं बच्चे अंडा फोड़ के वापस निकलते हैं और अपनी माँ के पास जाते हैं 5,000 किलोमीटर दूर। ओके तो इंट्यूशन की ये इंट्यूशन की पावर नेट कर लीजिएगा कि ऐसा टर्टल्स ऐसा ही करता है ऐसा तो जब आप रेडिली किसी एनर्जी के संपर्क में आते हैं तो आप धीरे धीरे वो बात कैप्चर कर लेते हैं ठीक है। जैसे कि अच्छा डॉक्टर कभी कभी स्टेप इन करते ही बता देता है कि इसको ये वाली बीमारी और असर होता है डॉक्टर्स के साथ कि यार तुम्हें ट्यूमर अच्छा वास्तु कंसल्टेंट स्टेप इन करते ही बता देता है जैसे मैं किसी घर में जाऊं तो मुझे 2-3 मिनट से ऊपर नहीं लगते वहां के एनर्जी सेंस करने अच्छा ज्योतिषी पैर रखते ही बता देता है कि आपको अरे हाँ। और बताओ घर में तुम्हारा पुत्र सही चल रहा नहीं चल रहा तो उसे कैसे बता कि तुम प्रश्न पुत्र का लेकर आए हो कि मेरे बेटे हाँ। की गड़बड़ चल रही बेटे के साथ ऐसे ही आपको अपनी बच्चों के बारे में इंट्यूशन होगी लेकिन पड़ोसी के भी तो बच्चे उनके बारे में इंट्यूशन क्यों नहीं बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट। तो जब आप कर लोगे 50-100 मकान तो ऐसी इंट्यूशन आपके पास भी आती है। हम तो 3 मकान रोज करते हैं तो आप देखो कितने सारे पहुंचे है ना एक दो नए एक दो फॉलोअप्स तो इस तरह से वो इंटरेक्ट करने लगता है। बढ़ेगी मैम इंट्यूशन पावर 110% बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो हम बढ़वा देंगे उसकी बहुत सारी टेक्निक्स अब याद दिला देना बीच में एक इंट्यूशन पावर का एक मेडिटेशन करा दूंगा। ओके सर ओके थैंक यू सो मच आज आपने इतना समय दिया इतने धैर्य से सुना अपनी पात्रता को बढ़ाया और उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ नए जोश के साथ नई ऊर्जा के साथ जोर से बोलिए यस आई कैन।
Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. I will. 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 I am born to win. I am born to win. I want to win. I will. Jai Jai Kar. Jai Jai Kar. Jai Jai Kar. Thank you. Thank you.